भारतीय बेंचमार्क इंडेक्सेस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 20 नवंबर को लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 139.58 अंक यानी 0.21% गिरकर 65,655.15 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 37.80 अंक यानी 0.19% गिरकर 19,694 पर बंद हुआ। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच 20 नवंबर को बाजार की शुरुआत काफी धीमी रही। कारोबारी दिन के दौरान बाजार सीमित दायरे में रहा। ऑटो, कैपिटल और FMCG शेयरों में बिकवाली के बीच निफ्टी 19,700 से नीचे गिरा, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर शेयरों में खरीदारी से इंट्राडे में दिखे नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली। निफ्टी के टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, M&M, बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर शामिल रहे, जबकि गेनर्स में दिविस लैब्स, भारतीय एयरटेल, SCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो और ONGC शामिल रहे। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 20 नवंबर को घटकर 327.36 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 17 नवंबर को 327.51 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 15,000 करोड़ रुपए घटा है। मंगलवार 21 नवंबर को कैसी रहेगी बाजार की चाल? मेहता इक्विटीज के प्रशांत ताप से ने कहा कि आज सुस्त कारोबारी सत्र में बाजार नेगेटिव जोन में रहा। इसमें कुछ चुनिंदा प्रमुख शेयरों में बिकवाली के बीच गिरावट का सिलसिला जारी रहा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक आर्थिक मंदी की चिंताओं पर अनिश्चितता के बीच निवेशक सावधानी के साथ ट्रेडिंग करते हुए नजर आए। बाजार पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों का फायदा उठाने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। वहीं इन्वेस्टर्स ने चीन से और अधिक बूस्ट मिलने की उम्मीद भी अब छोड़ दी है। तकनीकी रूप से देखें तो निफ्टी को इसके आगे फ्रेश बढ़त हासिल करने के लिए 19,889 अंक को फिर से पार करना होगा, जबकि इसमें और गिरावट आने पर निफ्टी पर 19,471 के लेवल पर सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक धीमी शुरुआत के बाद बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। कारोबार के आखिर में 37.80 अंकों की गिरावट के साथ 19,694.00 पर बंद हुआ। सेक्टर्स पर नजर डालें तो IT सेक्टर में तेजी का रुख बन रहा है, जबकि ऑटो सेक्टर में मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। इंडेक्स ने रेंज 19,850 से लेकर 19,550 के बीच में एक छोटी नेगेटिव कैंडल बनाई है। हमारा मानना है कि इंडेक्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का राइट शोल्डर बनाने की ओर बढ़ रहा है।